व्हाट्सअप गाइज, मस्त मजेदार मीम्स लेके आए हैं तने भाई के चैनल से। टाइटल है पाकिस्तान आउट ऑफ वर्ल्ड कप, तो उस मैच से रिलेटेड होने वाले जिसमें पाकिस्तान का बिल्कुल ही टूर एक तरीके से वर्ल्ड कप का खत्म हो चुका है। टूर मतलब मैचेस तो खेलेंगे वो, लेकिन अब वो क्वालिफाई करने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं कैसे महाराष्ट्र सेलिब्रेशन रिजवान वर्सेस जैनसन, तो बहुत कुछ होगा, मस्त मजेदार मीम्स होंगे। वीडियो कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हो भाई साहब, क्या मैच हुआ है, फुल ड्रामा। वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 2-3 अपसेट हो चुके हैं और अब फैंस तैयार नहीं थे कि वो एक और अपसेट देखे, ये कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। Yes. ना, 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 ना। तो क्या अभी आप जा रहे हो? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जरूर मिलना। अब पूछे टाटा का जाओ। क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में। रिजवान मार्को की लड़ाई, अबे ये व्हाइट कलर की लिपस्टिक कौन लगाता है? बॉलिंग करते टाइम दूर से ऐसा लग रहा है तूने मुंह में व्हाइटनर दबा के रखा है। हेयर इस रॉफ में मंजुलिका की आत्मा घुस जाना। रोहित कोहली भाई, थोड़ा हल्के हाथों से खेला करो यार, आदमी की हालत देख रहे हो जरा। बाबर भाई तो ऐसे डिप्रेशन में चले गए, बीच मैच में जूते से जूता रगड़ के आग निकालने लगे। पर कितना भी मजाक उड़ा लो तुम पाकिस्तान टीम का, बाबर भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है ना, इमोशनल हो जाओगे तुम, रोना ना है तो बताना। बाबर, आज के मैच को कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहाँ देख रहे हैं? उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बाबर भाई ने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में हार के स्पीच दी थी मोटिवेशनल, कोई भी एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करेगा, स्पेशली कोई नवाज को पॉइंट आउट नहीं करेगा। एक बार फिर से लास्ट ओवर नवाज। अबे हम क्या कोई मुथैया मुरलीधरन है, हर अंडू गांडू सिचुएशन में आखिरी ओवर दे देते हो, शक्तिमान का बच्चा समझ रखा है क्या? पूरे मैच में हगो तुम और एंड में जादू करके हम साफ कर दें और मैच जिता दें। बाबर भाई, पहला ओवर इफ्तिकार अहमद से डलवा रहे हो, लास्ट ओवर नवाज से डलवा रहे हो, तो ये जो मेन बॉलर से ये क्या समोसा कचौड़ी खाने के लिए लाए हो? लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ दोस्ती करो तो बाबर आजम जैसी करो। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो बटलर के साथ बैठे हुए थे और अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है पॉइंट्स टेबल में बटलर के पास ही जाते जा रहे हैं। बस। पाकिस्तान टीम का मैच हो और पाकिस्तान कोई मसाला ना दे, इंटरटेनमेंट ना दे। रिजवान बाबू ने कीपिंग करते हुए विकेट के पीछे से फील्डर से बोला मार दे। अब कोई और टीम का फील्डर होता तो वो स्टंप्स में मार देता, पर फील्डर था पाकिस्तान का, इंटरटेनमेंट, उसने दे मारी बॉलर को, और बॉलर फिर से था नवाज भाई। मारे डालोगे क्या? ये वीडियो तुमको पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और एक बहुमा भाई का भी वीडियो है, लॉर्ड बहुमा का, कुछ कुछ कर रहे हैं वो, कुछ दिखाएंगे तुमको वो, तो वो भी जरूर देख लेना। हैरिस रॉफ ने कोहली भाई से छक्के खाए, रोहित शर्मा से छक्के खाए, ऑस्ट्रेलिया से छक्के खाए, पर कुछ तो मिसिंग था भाईजान। हैरिस रॉफ का ये सवाल था क्या मुझे जन्नत मिलेगी, अभी तक तो डाउट था, पता नहीं था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर जब हैरिस रॉफ ने लॉर्ड बाउमा से छक्का खा लिया अब कुछ नहीं बचा उनके लिए क्रिकेट में। रॉफ साहब आप बहुत ही किस्मत वाले हो, लॉर्ड बाउमा ने खुद आपको चुना है फेलने के लिए। आप अब बायो में भी ये लिख सकते हो, लॉर्ड बाउमा हिटेड माय बॉल फॉर अ सिक्स, से बड़ा अचीवमेंट क्रिकेट में कुछ हो ही नहीं सकता। 150 की बॉलिंग स्पीड से तुम टेम्बो को डराने चले थे, वो तो वो आदमी हम्बल है इसलिए बैट के साथ सिक्स मारा, उसका बस चलता तो बिना बैट के भी छक्के मार सकता वो। फिर क्या मुंह दिखाते तुम अपनी आवाम को हैरिस भाई? बताओ भाई क्या दिन आ गए हैं, 4 फीट का बहुमा अपने 2 फीट के बैट से हमारे 150 प्लस की स्पीड की बॉल पर सिक्स मार रहा है, लगता है रिटायरमेंट खुद हमारे पास चल के आ रहा है। वैसे यार DRS की कंट्रोवर्सी कल के मैच की इतनी ज्यादा वड्डी हो गई है कि इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के उसको पूरा अच्छे से ही कवर करते हैं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, पर तब तक हम लोग देख लेते हैं तगड़े तगड़े मीम्स। नवाज, ऐसा कोई क्रूशियल मैच नहीं जिसमें मैंने लास्ट में बॉलिंग करके पाक के लोढ़े ना लगाए हो। बाबर भाई ने पहले ही हीरे को परख लिया था, कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगा स्पेशली नवाज को। नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये लो मैच विनर। रिजवान लिपस्टिक लगाऊं रात भर रन्स बनाऊं जाट पर? रिजवान भाई वेरी ब्यूटीफुल। हैरिस रॉफ भाई जान कोई उठाकर पाकिस्तान ले चलो। हैरिस रॉफ भाई रिटायरमेंट ना ले ले इस वर्ल्ड कप के बाद, मुझे तो ये डर लग रहा है। ये जो व्हाइट बालों में दादा हैं ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी एक साइकोलॉजिस्ट हायर करना पड़ेगा जल्द ही पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस देख के। ये बात तो सही लग रही है भाई, सदमे में आ गए चचा। क्विंटन डिकॉक, डिकॉक की स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही सही नहीं लिख दी, ये जिसने भी शर्ट प्रिंट किया ना उन्होंने प्रैंक कर दिया इनके साथ, और ये चारों लोंडे एकदम कॉन्फिडेंस में घूम रहे।
हैं डिकॉक के फैन बनके। चिड़िया उड़ी उड़ी महना उड़ी उड़ी कैप्टनसी उड़ी क्या मतलब भाई जान। सरफू भाई मजे ले रहे, सरफू भाई को कैप्टन बना दो। केशव महाराज चलो पाकिस्तान वालों तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आ दो। केशव महाराज ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से एयरपोर्ट छोड़ दिया पाकिस्तान को। बाबर आजम तेरा भाई 50 ओवर्स के बाद एक्सेलरेट करेगा, तेरा भाई 50 मारने के बाद एक्सेलरेट करेगा। बाबर भाई एक मैच में 50 पे गए और एक में शायद 51 या 52 पे चले गए थे। आईज इन माय टीयर्स, अरे उमर अकमल भाई रियल आईडी से आओ। मदर फ्रॉम अनादर ब्रदर, मोर ने मोरकल न घर का न घाट का, मोर ने मोरकल भाई के साथ बहुत ही बुरा हो रहा था जो भी हो रहा था, बेचारे पाकिस्तान के कोच और इधर साउथ अफ्रीका की खुद की टीम। दिस वॉज वेन मार्करम विकेट, मोर ने मोरकल भूल गया था वो पाकिस्तान का कोच। अगर विकेट सेलिब्रेट करूं तो गद्दार बोलेंगे, विकेट सेलिब्रेट ना करूं तो बोलेंगे कैसा कोच है। हाउ डू वी ब्लेम बीसीसीआई फॉर दिस, Why did they give us visa? Visa क्यों दिया? Visa नहीं देते तो पाकिस्तान का यह हाल थोड़ी होता। गलती बीसीसीआई की है। इंग्लैंड के साथ बैठकर उसके गेम के भी एल लगा दिए। बाबर भाई इज अ रियल टैलेंट। हैरिस रॉफ टुडे धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टका अटक चल रहा है और रन्स रन्स की तो बारिश हो रही है भाई। सिर्फ 50 का पेट्रोल भरना उससे ज्यादा नहीं। बाबर भाई अपनी 50 करते हैं और निकल लेते हैं। पाक डिसअपॉइंटिंग विद 4 मैचेस, पाक फैंस ये करण जौहर सबके एल क्यों लगा देता है यार अपने शो में बुला बुला के, और इसके शो में जा कौन रहा है, क्यों जा रहा है, मतलब अपनी बेइज्जती करवाने, अपने ही कंट्रोवर्सी उठा रहे। टीम्स एंड देयर वीकनेस, पेस बॉलिंग, चेस, स्पिन बॉलिंग, क्रिकेट। क्रिकेट इज माय वीकनेस ब्रो, यार रोज रोज नए बहाने कहां से लाऊं, दिल दिल पाकिस्तान। बाबर आजम भी लाइक आज तो मैं भी नवाज को टारगेट करूंगा। यही हुआ होगा भाई ड्रेसिंग रूम में, मतलब से नवाज भाई का हाथ मरोड़ के दिए होंगे। पाकिस्तान चोकिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी लाइक जो सीखा है आपसे ही सीखा है मालिक। फैंस इट्स अ बोरिंग वर्ल्ड कप, टू मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। सही में भाई ये लोग किसी से भी जीत सकते, किसी से भी हार सकते। गंभीर, मार्को जेंसन इज एन इनक्रेडिबल ऑलराउंडर, नेक्स्ट बॉल ही इज आउट। गंभीर भाई के आगे झुक के रहना पड़ेगा, झुक के, क्योंकि गंभीर भाई अपने आप में एक सुपरस्टार है। बैट्समैन मिसेस अ बॉल एंड इट वेंट पास्ट एज ऑफ द बैट, बॉलर रिजवान। ये रिजवान हर बॉल पे अपील करता है भाई, चाहे यहाँ से बॉल निकले चाहे यहाँ से बॉल निकले। मीनवाइल मोर ने मोरकल इन पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम, बहुत बुरा हुआ ब्रो, बहुत बुरा हुआ। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सी तबाही मचा दे रहा है भैया, वो मॉर्निंग मॉकल का कोच है ना, तो वो सोच रहा है कि हंसू करूं तो करूं क्या। लेकिन पाकिस्तान ने खेला नहीं अच्छा क्रिकेट, ये तो माननी पड़ेगी भैया बात, तो वो बिल्कुल भी किसी मैच में वो ऐसे नहीं लगे कि वो बहुत ही टॉप क्लास टीम है, जो सो कॉल्ड कहा जाता है ना कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग बॉलिंग लाइनअप है, बाबर आजम नंबर वन है, हर एक चीज, मतलब इनकी टीम में ऐसा लगा कि टीम वो उस पार्ट बाय पार्ट खेल रही, कभी बॉलिंग थोड़ी सी चली तो कभी बैटिंग थोड़ी सी चली, मतलब एक वो नहीं दिखा कि धौंस जमा के खेलने वाला गेम। और कई बार हो जाता है, चलो क्रिकेट वैसा गेम है जिसमें आप बातें अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए थे और अभी ये हार चुके हैं, बाकी मैचेस खेलेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है, भाषण क्या दिया इन लोगों ने कि जितने मैच बचे अब हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो मेरे को बस ये हैरानी हुई अभी तक किसके लिए खेल रहे थे फिर, पर्सनल अपने भाई, बयान इनके ना इंटरव्यू कैंसिल करवाने चाहिए। एक तो इंटरव्यू में कहता प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना, ए तुम मत बोला कर, लेकिन का कोच गजब है, अब क्या बहाने लगाएगा, दिल दिल पाकिस्तान नहीं हो जाता ना कि वो इन्हें वीजा क्यों दिया भाई साहब, गजब है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।